गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मनाली में हमारी ये नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस बेटी को तैयार करना है, वो अभी सो रही है तो उसको उठाएंगे, तैयार होएगी, उसके बाद हम निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन। उठ जा लड़की, घूमी घूमी करने जाना है। गुड मॉर्निंग करो सबको, गुड मॉर्निंग करो। अरे गुड मॉर्निंग तो बोल दे सब लोग, फिर देख रहे हैं, वीडियो देखेंगे सब लोग, बोलेंगे तू गुड मॉर्निंग नहीं करती है। गुड मॉर्निंग बोलो। अरे बोलो ना, गुड मॉर्निंग ऑल। इतने धीरे बोला है, सुनाई भी नहीं देगा। फिर से नहीं नहीं, नहीं बोल रही है। सो गाइस, अभी टाइम हुआ है लगभग 7:30, और सुबह सुबह अत्याचार हो चुका है मेरे साथ, नहला के धुला के ठंडे पानी से, नहीं पानी तो गर्म था। झूठ तो मत बोलो कम से कम। सो हो चुके हैं रेडी, बाकी अड़ोसियों पड़ोसियों को जगाते हैं और देखते हैं क्या करना है, निकलते हैं फिर। लड़की तू भी उठा जल्दी, अदू गई नहाने। चलो ठीक है, जब तक हम बाहर दिखाते हैं लोगों को क्या मौसम है। देखो इतना फॉग हो रखा है, फॉग अरे मतलब वेपर हो रखे हैं क्लासेस पे, बढ़िया वाले। और यह बाहर का नज़ारा भाई, मॉर्निंग गुड करनी है तो ऐसे ही होती है, वरना तो फिर अपने फ्लैट में उठ के रोज सुबह उठ के ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप चेक तो सभी करते हैं। सो दिस इज हाउ लुक्स लाइक अ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। एक रोज होती है जो सिर्फ मॉर्निंग होती है। वाइड एंगल पे चेक करते हैं कैसा व्यू आ रहा है। नहीं 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 हो रहा है, जूम करके। बर्फ अच्छी खासी है वैसे पहाड़ों पर, ठीक ठाक सी। ये आपका वाइड एंगल का व्यू, एप्पल दिखा दिए थे कल ही। एप्पल क्या, कॉटेज का नाम एप्पल, लगे भी एप्पल हैं यहाँ पे। जो डॉगी है पग कल दिखाया था उसका नाम भी एप्पल। तो ये है वाइड एंगल व्यू। सो दिस इज व्हाट आवर गुड मॉर्निंग लुक्स लाइक। चलिए मिलते हैं, अब ब्रेकफास्ट वगैरह लगने वाला है, मिलेंगे फिर उसके बाद। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं अभी यहाँ से सीसू के लिए। ये आगे वाली गाड़ी जो DL करके जा रही है ये भी हमारी है। तो वी आर बेसिकली इन, हम लोग दो गाड़ियों में हैं और आगे चल के मिलाते हैं उन लोगों से भी आपको। कल हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर गाड़ी में ही वीडियो ब्लॉग कर पाए थे, इस वजह से उन लोगों से मिला नहीं पाई मैं आपको। रात को इतने थक गए थे शाम के टाइम के, सीधे नाइट में ही हमने वीडियो ब्लॉग करी थी। अभी जो है हम लोग निकल चुके हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं पूरे व्यू। और ये देखिए सामने ये रोहतांग वाला पहाड़, ये पीर पंजाल रेंज है। कुछ भी हो, बर्फ है, पीर पंजाल हो चाहे रोहतांग। रात में बर्फ गिरी है क्योंकि ये पहले रात काल इतनी नहीं थी। कुछ भी कहो लेकिन मनाली के व्यूज और यहाँ की जो वाइब है ना वो बहुत अच्छी है। लोग हमसे बोलते हैं कि तुम लोग मतलब एक ही जगह जाते हो, बट प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग यहाँ यूज टू हो चुके हैं, यहाँ की एक एक चीज के बारे में हमें पता है। तो जब भी हम लोग थोड़ा स्ट्रेस होते हैं तो हम लोग यहीं आ जाते हैं कहीं और जाने के बजाय, बिकॉज वहाँ हमारे पता नहीं होता क्या बजट होएगा क्या होएगा। यहाँ हमें पता होता है कि मैक्सिमम हमारे इतने पैसे लगने हैं, बाकी जो भी हम लोग खर्चा करेंगे या जो भी होगा वो मैं आपको अपने वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी मैक्सिमम बजट इसमें कितना लगता है। टूरिस्ट अब यहाँ पे आ रहे हैं। बीच में जो डिजास्टर हुआ है मनाली में वो तो बहुत ज़्यादा है, ये देखिए सामने पूरा रोड नीचे का बह के नीचे आ गया है। बट मतलब अब टूरिस्टों ने आना शुरू कर दिया है तो अब लोग आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे कोई ऐसी डर की बात नहीं है कि मतलब
सेफ नहीं है, ट्रैवल या कुछ है नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बिकॉज जगह जगह रोड टूटी पड़ी है, तो ट्रैफिक वहाँ पे है, बट इट्स मैनेजेबल. पीछे से वहाँ चढ़ाई पे से ही वापस हो गए थे. ऐसा व्यूज देखो क्या सही जबरदस्त है, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं यहाँ से. हम लोग आ चुके हैं सोलांग वैली. अभी यहाँ पे बर्फ की कोई वो उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे बर्फ है, बट अब सर्दियों में देखते हैं क्या होता है. तो सर्दियों में तो वैसे बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज हम लोग आए थे जब लास्ट टाइम तो काफ़ी थी यहाँ पे, अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. ये देखिए ये है सामने. ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है. सोलांग वैली क्रॉस करके हम आगे आ गए हैं, तो ये देखिए सामने का ऑसम व्यू. ये अक्टूबर का जो मौसम होता है ना, ये रियली में बहुत अच्छा मौसम होता है विजिट के लिए. ये देखिए यहाँ से नदी सामने से दिख रही है. तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारे आशीष, आशीष बिस्ट. सो कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा. ऐसा बुलवा रहे भाभी हमसे? नहीं मैं बुलवा नहीं रही हूँ, मैं इसकी दिल की बात पूछ रही हूँ. हाँ, पहाड़ों से तो हम है ही वैसे ये भी. तो वैसे भी उत्तराखंड का है तो ये. हाँ. तो यूज टू है हम लोगों, हम जैसे लोगों के लिए. बट यहाँ पे आके थोड़ा जुकाम लग गया हमें. कोई बात नहीं, होता है. और ये मुदस्सर भाई हमारे, इनको तो आप जानते होंगे, ब्लॉग्स में देखते ही होंगे आप. आज सब मतलब इंजॉय के मूड में हैं, सब लगे पड़े हैं अपने अपने वो बनाने में, तो हम लोग भी ज़रा कर रहे हैं. ये देखिए बैक व्यू बहुत अच्छा है. अद्दू कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत मजा. हाँ शर्मा जी आप बताइए. ऊंचा है देखो, वो उससे भी ऊंचा है. हाँ लड़का वो और भी ऊंचा है. वो शक्ल ये देखो कितनी बढ़िया है यार. जो मर्जी कर लो शक्ल अच्छी. चार आंखें पहन के एकदम बढ़िया भाई. गूगल लग के इंटेलिजेंट लगता हूँ मैं. आइंस्टाइन तो लगता ही हूँ ऑलमोस्ट. हाँ इन्होंने तो गूगल को भी फेल कर दिया है. गूगल हमने ही बनाया है, हमने इन्फॉर्मेशन डाली है तो गूगल बनाया है भैया. तो हो जाएगा तो अच्छे सही से बैठे तो भी फोटो अच्छा आएगा. रोज हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा. अच्छा लगा? पूछ लो. एंजॉय कर रहे हैं हम लोग. हाँ. मनाली अभी हम लोग स्नो देखने जा रहे हैं. हाँ. अभी हमने सोलांग बताएंगे. सोलांग वैली अभी हमने करा है. इतने अच्छे व्यूज है, मेरा मन करे जा रहा है मैं एक एक चीज शूट करूँ यहाँ पे, कोई चीज ना छोड़ू. पर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहोगे कि इसने तो आज पका ही दिया बिल्कुल ही. इसीलिए जो है ना मैं थोड़ा सा छोटे छोटे व्यूज छोटे छोटे ले रही हूँ. सो ये आ चुकी है अटल टनल, अब हम लोग जा रहे हैं टनल के अंदर. ये लो भैया यहाँ ब्रेक लगा रंगे चश्मे बिकते हुए. यहाँ पे इन लोगों ने ब्रेक लगा दिया है. क्या बंद है क्या जाने नहीं, नहीं। अरे भाई लोग पहले. सो फाइनली पहुँच गए हम अटल टनल और आप देख सकते हैं बेटा रोड पे मत जाना तू. बट भाई साहब व्यूज तो गजब है यहाँ के, गजब. क्या शादी करने से अच्छा यहाँ से कूद जाओ. शादी करने से अच्छा है यहाँ से कूद जाओ. फैसला तुम्हारा है ये है. तो ऐसे बोलता चाचू को? मैंने तुझे बोला. तो तू क्या करेगा? नहीं करेगा शादी? नहीं. यहाँ कुछ जाएगा? हाँ ये सही है. अद्दू अद्दू मजा आ रहा है? मजा फुल. हाँ फेंको फेंको दोनों फेंको. किसका दूर जाएगा?
तो शर्मा जी दूर गया। ऑक्सीजन पूरा आ रहा है, ऑक्सीजन पूरा आ रहा है, भाई 98% हो रही है, वैसे ही 98% हो रही है। राजा शर्मा चल चलते आज ऊपर, देखते किसकी टांगों में ज्यादा जान है। भाई क्या सही लग रही है भाई साहब, ये आज रात को ही गिरी है ताजी। नहीं लिटरली यार, ये वाइड एंगल व्यू देखो आप, क्या सही व्यू है भाई, 360 डिग्री। गंदगी ना फैलाएं ये बहुत याद रखें। ये रहा भाई साहब, अरे नहीं मना किया ना, चलो चलते हैं यार अभी आगे भी। चलो जी चलते हैं, घुसते हैं अटल टनल में आगे धीरे धीरे करके। हम लोग अभी घुस रहे हैं अटल टनल में, थोड़ी सी बेसिक इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें रोक दिया गया था कि मतलब ओवरटेकिंग नहीं करनी है, ओवर स्पीड नहीं करना और ओवरटेकिंग नहीं करना स्टॉप नहीं लेना। मतलब ये है कि हमारे इंडिया के लोग है ना, बोलने पे भी नहीं समझते है ना, तो इसलिए इन बेचारों को एक एक बंदों को रोक रोक के बोलना पड़ता है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है टनल में कि लोग ओवर स्पीडिंग और बदतमीजी, स्पीड ड्राइविंग और मतलब रोक के हाई म्यूजिक में डांस करना, ये सब चीज़ें लोगों ने करी है। इंडियंस है क्या करें, कुछ समझेंगे नहीं वो लोग, बट हाँ फिर भी नहीं करनी चाहिए। ये लोग अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हमें फॉलो करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। सो देखते हैं अभी, हाँ व्यू देखिए, व्यू क्या देखिए, टनल में है, टनल देखो। हाँ तो अभी हम साउथ पोल पे थे और अब हम नॉर्थ पोल पे निकलेंगे, तो एकदम से व्यू उसका चेंज होएगा। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हम सबके लिए भी, तो भाई अभी 8.5 किलोमीटर बची हुई है। सो हम लोग निकल चुके हैं टनल से बाहर, तो ये है आगे का व्यू, देखते हैं कैसा होगा। देखो बर्फ तो नहीं है इस साइड भी, अभी स्नोफॉल तो नहीं है, बट भाई साहब गाड़ी कहाँ रोकी, अब ये गाड़ी यही रोकी, यार व्यू तो यहाँ से आ रहा है, देख रहे हो ये वाला, अरे ये पैदल आई लो आशीष धूप सेक रहे हो, क्या करेगा जुकाम में, क्या करेगा बता, बीमार आदमी क्या करेगा, बीमार नहीं हो, जुकाम बीमारी नहीं होती है, ठीक कर दिया तुमने, जुकाम बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल चीज है, 3 दिन लगता है ठीक होने में, वो प्रोटोकॉल है शरीर से बाहर से गंदगी निकालने का। हाँ ठीक है, तो इसको बीमारी मत बोलो, आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल जुकाम होंगे। सो गाइस देखिए यहाँ पे आ गए हम नॉर्थ पोर्टल पे अटल टनल के। सो यहाँ से आए थे, ये गेट से निकल के ब्रिज क्रॉस करके, एंड वी हैव टेकन स्टॉप हियर, यहाँ पे मैगी खाएंगे, एंड ये है रास्ता स्पीति जाने के लिए, और ये आपकी रिवर है चंद्रभागा रिवर है आई गेस। पानी देखिए कितना नीट एंड क्लीन पानी है, शांत, स्नो गिरा हुआ है शायद, ये एक आध दिन पहले ही, और ये सीधा रास्ता जाता है आगे स्पीति वैली काजा, एंड हमें जाना है इस साइड सीसु, और भाई साहब आसमान तो कतई नीला हो रखा है, बढ़िया। तो भाई हो गया नाश्ता पानी, चले अंडा तो बिना प्याज का खिला दिया, अंडा बिना प्याज का, बिना बिना ऑमलेट था, बिना अंडे का, बिना अंडे का ऑमलेट था, सही बता रहा हूँ।
सब लोग नाश्ता पानी खत्म कर चुके हैं और ये क्या कर दिया राजेश तूने? ये सही है भाई, सारा मलबा बाहर निकाल दिया राजेश ने। बीमारी है, गंदगी है। कहाँ जा रहे हो तुम? ट्रैकिंग करने जाओ। यार वैसे राजेश, इतना इतना माल तेरे अंदर छुपा रखा था, हमें पता ही नहीं है। देखो हमारे साहबजादे कहाँ चढ़ गए हैं ऊपर, मतलब सुसु करने ऊपर गया है ताकि बहके सारा नीचे आए। हाँ पानी की तरह लोग पानी में हैंड वॉश कर लिए। भाई कहाँ गए थे तुम दोनों? पेड़ को पानी देने गया था। पेड़ सूख रहे ना। अरे भी के आने लगे, भी के बैठ के आने लगे नीचे। हाँ ये तो ऊपर से, ये ऊपर वाले, ये सब हेलीकॉप्टर, ये चॉपर वॉपर से ही ले जाते होंगे। नहीं ऐसे, हाँ लेकिन चॉपर से नहीं करते होंगे यार। चॉपर से भाई मैंने देखे हैं, डिस्कवरी में पूरा दिखाया था, ग्रिड ग्रिड एस्टेब्लिशमेंट दिखाया था पूरा। तो पागल है, पार्ट जाते ऊपर। मैं तो ये दिमाग से पैदल ले। अरे वो कह रहा है उसने डिस्कवरी में देखा था, खच्चर पे जाते हैं ऊपर। खच्चर होगा तेरा दी वो गांव वाला। गांव वाला कच्चर होगा भाई। भाई सबकी सुसु हो गई हो तो सीसु चले। हाँ सब सब बचा के रखो, सीसु में सुसु करने चलते हैं। चलो चलते हैं, उठो भाई। राजेश वो देख क्या है, तेरे दवाई की दुकान है आगे। राजेश तेरे दवाई की दुकान कहाँ? गिलास। अरे भाई राजेश सीरा, नहीं गिलास लेने थे, मेरे पास है यार। इससे पूछ लेना क्या बताऊं सकते। चलो भाई चलो गाड़ी में बैठो, चलते हैं। सो गाइस अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। एंड आगे की जर्नी हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं सीसू में।